नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। नागरिकता कानून के विरोध में देश भर में हिंसा भड़क रही है। खासतौर पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा के बाद मंगलवार को दिल्ली के जाफराबाद में प्रदर्शन उग्र हो गया। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया और कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। बाद में पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। जानकारी के मुताबिक भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस हल्के बम का प्रयोग कर रही है और इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। प्रदर्शन और हिंसा के चलते सलीमपुर से जाफराबाद सड़क को बंद कर दिया है। भीड़ ने कई बसों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर कर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। फिलहाल सलीमपुर, जाफराबाद, वेलकम, मौजपुर, बाबरपुर, गोकुलपुरी समेत कई मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है। इन मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो नहीं रुक रही है, हालांकि मेट्रो सेवा चालू है। वहीं हालात पर नजर बनाए रखने और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने ड्रोन भी मौके पर मंगवा लिए हैं। दिल्ली पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं, साथ ही मौके पर अतिरिक्त फोर्स भी तैनात की गई है। बताया जा रहा है कि इस दौरान भड़की भीड़ ने तीन बसों में जमकर तोड़फोड़ की और कई अन्य वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वहीं हिंसा को भड़कता देख सलीमपुर से जाफराबाद के रास्ते को बंद कर दिया गया है। पुलिस ने ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया है। बताया जा रहा है कि 66 फीट की इस रोड पर ही हिंसा भड़की और कुछ जगह पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की है, जिसके चलते एहतियात के तौर पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार जौहरी, एंक्लेव और शिव विहार मेट्रो स्टेशन के दोनों गेट बंद कर दिए गए हैं। कोई भी ट्रेन यहां नहीं रुकेगी। बाबरपुर मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने सलीमपुर पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया है। दो बाइक में भी आग लगा दी गई है। चौकी के पास रखा दूसरा सामान भी आग की चपेट में आ गया है। जाफराबाद में CAA के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था, अचानक से विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। भीड़ ने वाहनों को आग लगा दी। चर्चा है कि ये सब अफवाह फैलने के चलते हुआ है। दिल्ली पुलिस ने भी लोगों से अफवाह पर ध्यान न देने की बात कही है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया किसी भी पोस्ट और वीडियो पर भरोसा करने से पहले उसकी तफ्तीश जरूर कर ले। पुलिस वाले को मार रहे हैं, देख बदतमीजी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।